कक्षा 10 आरबीएसई गणित प्रश्नावली 10 बिंदु पद संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों आज की इस क्लास में हम इस प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको हल करेंगे। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली की बेसिक और जो छोटे छोटे सवाल थे वो किए थे, तो आपको ये क्लास ध्यान से समझनी है तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला पाओगे। बच्चों जो आपकी सवाल हैं ये प्रमेय नंबर 10.1 और प्रमेय नंबर 10.2 पर आधारित है, तो इन सवालों को करने से पहले आपको दोनों प्रमेय के बारे में पता होना आवश्यक है। तो देखो पहले उन प्रमेय के बारे में देख लो। प्रमेय नंबर 10.1 तो क्या है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजन होता है। तो देखो कोई दो बिंदु है, मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों बिंदुओं का जो बिंदुपद है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंब समद्विभाजन होता है। मान लो इस रेखा पर यहाँ कोई बिंदु लिया, ये बिंदु इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है, मतलब ये वाली दूरी क्या है, समान है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, ये वाली जो लाइन है इस लाइन को दो बराबर भागों में बांटेगी और यहाँ पर बनाएगी 90 डिग्री का कोण। क्यों बनाएगी, प्रमेय नंबर 10.1 से, ठीक है, समझ जाओगे। अब प्रमेय नंबर 10.2 क्या है, यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो इन दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है, इन दोनों रेखाओं से बनने वाले कोण का अर्धक। अगर आपको सवाल में दिया हुआ आ जाए कि इस कोण का क्या हो रहा है, अर्धक, तो इस पर कोई भी बिंदु ले लो तो इस बिंदु से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी, समान होगी। मतलब अगर आपको सवाल में दिया हुआ आ जाए कि इस कोण का क्या हो रहा है, समद्विभाजन, तो आप डायरेक्ट लिखोगे ये दोनों दूरियां क्या होगी, बराबर। क्यों होगी, प्रमेय नंबर 10.2 से। अगर सवाल में दिया हुआ आ जाए कि ये दोनों क्या है, बराबर, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, और यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा, क्यों बनेगा, प्रमेय नंबर 10.1 से, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर एक, एक ही आधार बीसी पर तीन समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज पीबीसी, त्रिभुज क्यूबीसी और त्रिभुज आरबीसी स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि पी, क्यू और आर समरेख हैं। समरेख का मतलब कि ये तीनों एक ही रेखा पर आए हुए बिंदु हैं, ये हमें सिद्ध करना है। बच्चों ऐसे आपके प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल हैं, एक ही टाइप के सवाल हैं, आपको ध्यान पूर्वक इनको समझना है। तो देखो एक ही आधार बीसी पर कितने त्रिभुज हैं, तीन। तो देखो ये हम पहले चित्र बनाएंगे, तो ये हमने एक आधार ले लिया, आधार का क्या नाम है, बीसी, यहाँ ले लेते हैं, ये आधार ले लिया, आधार का क्या नाम है भाई, बीसी नाम है, ठीक है। अब इस बीसी पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तीन, एक का नाम तो पीबीसी, तो मान लो मैंने इधर ये बना लिया और इसका नाम दे दिया मैंने पी बी और सी, दूसरे त्रिभुज का क्या नाम है, क्यूबीसी, तो मान लो इसी पर हमने एक और त्रिभुज बना लिया और इधर नाम दे दिया, क्या नाम है, क्यूबीसी, आना ये चित्र सही से बनाना, ये हो गया आपके यहाँ क्यू बी और सी, एक त्रिभुज और है आरबीसी, अब इसको भी आप ऊपर ही बना चाहो तो ऊपर बना लो या फिर नीचे बना लो, तो नीचे की तरफ बना लो, तो एक त्रिभुज ये और हो गया आपके, क्या नाम है भाई, नाम क्या है भाई, ये आर आर बी और सी, बन गए तीन त्रिभुज। अब हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर, पी क्यू आर ये तीनों कहाँ हैं, एक ही रेखा पर, मतलब ये तीनों मान लो यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी, तो हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आए हुए हैं, और मान लो इस रेखा का क्या नाम दे दिया, एल नाम दे दिया। अब हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो P, Q और R है ये तीनों कौन सी रेखा पर है, L रेखा पर है। तो बच्चों इस प्रकार के सवालों को करने से पहले सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है, एक ही आधार BC पर कितने त्रिभुज है, तीन, तो देखो यहाँ लिखेंगे BC आधार पर स्थित स्थित कौन से, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु कौन सा, पी बी सी, त्रिभुज कौन सा, क्यू बी सी, वो त्रिभुज कौन सा, आर बी सी, हो गया। अब हमें करना है सिद्ध, देखो ये तो हमें लिख दिया हुआ कि बी सी आधार पर स्थित समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन से हैं,
त्रिभुज पीबीसी, क्यूबीसी और आरबीसी। और हमें क्या सिद्ध करना है, देखो ये लिखा हुआ कि पी क्यू और आर क्या है, ये है समय रेख। ठीक है, अब बच्चों इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे उपपत्ति। सवाल को हम काय में हल करते हैं, उपपत्ति में हल करते हैं। ठीक है, अब देखो हल करेंगे हम प्रमेय नंबर 10.1 से। कैसे, ध्यान दो, देखो हम कोई सा भी त्रिभुज लेंगे इनमें से, जैसे मान लो ये लो पी बी और सी, त्रिभुज कौन सा लो, पी बी सी ले लो। बताओ बेटा पी बी सी कौन सा त्रिभुज है, समधि, समधि बाहु। त्रिभुज में क्या होता है, जिस त्रिभुज की कितनी भुजा बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज होता है। तो देखो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर। पी बी किसके बराबर है, पी सी के। तो यहाँ लिखेंगे पी बी बराबर है पी सी। क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ है कि ये कौन सा त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा क्या होती है, बराबर। अब नियम लगेगा ये, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो ये वाली लाइन इस भुजा का क्या करती है, लंब समद्विभाजन करती है। क्या करती है, मतलब इन दोनों बिंदुओं का जो बिंदुपत होगा वो कहाँ होगा, इस लाइन पर होगा। मतलब ये जो पी बिंदु है वो बी और सी से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ। तो अतः यहाँ क्या आ जाएगा कि पी जो है वो क्या है, बी व सी से क्या है, सम दूरस्त है। क्या है, सम दूरस्त है। ठीक है, सम दूरस्त है। या लिख सकते हो कि ये जो P बिंदु है वो कौन सी रेखा पर आया हुआ है, L रेखा पर, L पर ही आएगा ना। अरे भाई ये P जो है वो B और C से क्या है, सम दूरस्त है। तो P कौन सी रेखा पर आया हुआ है, L। अतः क्या हो जाएगा, P कहाँ पर है, L रेखा पर स्थित है, स्थित है। आ गया। अब इसी प्रकार हम लेंगे कौन सा, क्यू बी सी। कौन सा लेंगे, बताओ क्यू बी सी भी कौन सा त्रिभुज है, संधि। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो B और C से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद कहाँ आएगा, क्यों, मतलब जो कौन सी रेखा पर है, L रेखा पर आएगा। तो अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे, इसी प्रकार जैसे ये P बिंदु कौन सी रेखा पर आ रहा है, तो Q भी कौन सी रेखा पर आएगा। यहाँ लिखेंगे Q क्या है, L रेखा पर स्थित है। अगर पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, त्रिभुज कौन सा लो, क्यों बी सी। इसमें क्यों बी किसके बराबर है, क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों बिंदुओं का जो समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपत होगा वो इस रेखा पर आएगा, और क्यों क्या आया हुआ है, इसी रेखा पर आया हुआ है। अब इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेंगे, आर बी सी, ये भी कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, तो इसका बिंदुपत इसी लाइन पर आएगा, तो ये कौन है, आर। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या है, आर क्या है, एल रेखा पर स्थित है। अब आप चाहो तो इसे मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर। तो देखो P कौन सी रेखा पर है, Q कौन सी रेखा पर है, और R भी कौन सी रेखा पर है, तीनों L रेखा पर है। इसका मतलब तीनों एक ही रेखा पर है, इसका मतलब तीनों क्या है, सम। अतः क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से क्या है, पी क्यू व आर क्या है, समरेख है, इति सिद्धम। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आपको आपकी जो प्रश्नावली है उसमें सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 है ना, ये सवाल सेम टू सेम, सवाल नंबर 5 ये सवाल ऐसे ही है। तो बच्चों इस टाइप के सवाल है, आपको ये ध्यान रखने हैं। थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में, ठीक है ना। अब देखो उधर दूसरा, अब ये तो है परमे नंबर कौन सी, 10.1। अब वो है परमे नंबर 10.2 पर आधारित है, ठीक है। तो देखो कैसे, ध्यान देना क्या लिखा है बेटा, चतुर्भुज एबीसीडी में एक चतुर्भुज है जिसका नाम क्या है, एबीसी। मान लो यहाँ कोई चतुर्भुज बना लेते हैं, ये हमने बना लिया एक चतुर्भुज, ठीक है, ये आपके पास एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज का नाम क्या है भाई, ए बी सी और डी, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण बी व सी के अर्धक परस्पर पी बिंदु पर मिलते हैं,
इस त्रिभुज में बी और सी का क्या हो रहा है? अर्धक हो रहा है। ये रहा बी और ये रहा सी। आप चाहो तो नाम यहां से दे लो, ये ए, ये बी, ये सी और ये क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नाम कैसे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी हो जाता। अब देखो कोण बी और सी का क्या हो रहा है? अर्धक। देखो कोण बी का भी होगा अर्धक, मतलब आधा, है ना। और कोण सी का भी क्या हो रहा है? आधा। और ये दोनों के जो आधे हैं अर्धक, वो कौन से बिंदु पर मिलते हैं? मान लो यहाँ पर कौन सा बिंदु है? पी बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी सम्मुख भुजा ए बी और सी डी से क्या है? समदूरस्थ है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो पी बिंदु है वो ए बी और सी डी से क्या है, मतलब इसकी ये वाली दूरी और इसकी ये वाली दूरी क्या होती है? बराबर। और दूरी हमेशा कितने डिग्री पर होती है? 90। मान लो यहाँ एम है और यहाँ क्या है? एन है। हमें सिद्ध करना है कि ये वाली दूरी क्या है? बराबर है। ठीक है, तो बच्चों चित्र मेन चीज आपको सही से बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल में, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बी और सी का क्या हो रहा है? अर्धक। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज, क्या नाम है? चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी व कोण सी के अर्धक, अर्धक कहाँ मिलते हैं? पी बिंदु पर क्या करते हैं? मिलते हैं। ठीक है, हमें करना है सिद्ध, ये जो पी बिंदु हैं ये सम्मुख भुजा ए बी और सी डी से क्या है? समदूरस्थ, मतलब ये वाली दूरी क्या है? अब दूरी लिख दो, PM किसके बराबर है? PN के बराबर है। ठीक है, मतलब ये वाली दूरी क्या है? बराबर। अब देखो इसके लिए हमें इस सवाल में करनी पड़ेगी रचना। अब रचना क्यों करनी पड़ेगी, देखो ध्यान दो। अभी मैंने एक नियम क्या बताया कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद कहाँ होता है? इन दोनों रेखाओं से बनने वाले कोण का अर्धक होता है। अब देखो यहाँ कोण का, ये इस कोण बी का क्या हो रहा है? अर्धक हो रहा है ना, तो बिंदुपद इसी लाइन पर आएगा। मान लो बिंदुपद यहाँ आ गया, तो यहाँ से इस रेखा, देखो अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं तो ये कौन सी रेखा हो गई? प्रतिच्छेद हो गया ना, प्रतिच्छेद। तो देखो इस पर ये जो पी है वो इस रेखा से और इस रेखा से क्या होगा? समदूरस्थ होगा। अब देखो इस रेखा की दूरी तो दे रखी है, लेकिन इस रेखा की दूरी नहीं दे रखी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे? लंब, मतलब बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। और इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे आर दे दो। क्या नाम दे दिया? तो बताओ क्या रचना की? पी आर किस पर लंब है? बी सी पर। ठीक है, अब उत्पत्ति करेंगे रचना, क्योंकि समझ में आ गया ना उत्पत्ति। देखो ध्यान दो, सबसे पहले यही देखो, सबसे पहले कोण बी का क्या हो रहा है? कोण बी का हो रहा है अर्धक, ये सवाल में दिया हुआ है ना। बताओ बेटा अगर इस कोण का आधा हो रहा है तो इस रेखा पर कहीं भी बिंदु ले लो, ये वाली दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो बताओ क्या होगी? पी एम किसके बराबर होगी? पी आर के। बताओ अगर कारण क्या लिखोगे? परमेय नंबर 10.2। अगर परमेय याद नहीं रहे तो फिर क्या लिखोगे? कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद कोण का क्या होता है? अर्धक होता है। वो पूरी लाइन लिख दीजिएगा आगे, इसे मान लो समीकरण नंबर 1 मान ली। अब इसी प्रकार कोण सी का भी क्या हो रहा है? अर्धक हो रहा है। तो कोण सी का क्या हो रहा है? अर्धक। कोण सी का भी क्या हो रहा है? ये भी मैं सवाल में दिया हुआ। अगर बेटा इस कोण का आधा हो रहा है तो इसका बिंदुपद कहाँ आएगा? इसी लाइन पर आएगा। और मान लो पी आ गया, तो पी क्या होगा? इधर से और इधर से क्या होगा? बराबर होगा। मतलब पी एन किसके बराबर होगी? क्यों होगी? परमेय नंबर 10.2। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। अब क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 में देखो कोई चीज सेम मिल रही है क्या? ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे? पी एम किसके बराबर होगा? क्या सिद्ध करना था? इति सिद्धम। तो यहां लिखेंगे इति सिद्धम। आया समझ में? उतारो पहले। देखो सवाल नंबर 3, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि यह कौन सा चतुर्भुज है? बताओ समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर हो, वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर
चतुर्भुज। अब बच्चों अगर हमें भुजाओं को समांतर करना है तो कोण या तो एकांतर हो, ठीक है, या कोण संगत हो, है ना, ये करना पड़ेगा। पहले तो चित्र बनाते देखो, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। पहले कोई सा भी चतुर्भुज बना लो, मान लो मैंने ये एक चतुर्भुज बना लिया और इस चतुर्भुज का नाम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है। इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्वि। तो देखो एक विकर्ण तो ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया, और मान लो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, कहाँ काटते हैं, और समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये वाला भाग इसके बराबर और ये वाला भाग इसके बराबर। समद्विभाजन मतलब ये वाला विकर्ण इसको दो भागों में बांटता है और ये वाला विकर्ण इसको दो भागों में बांटता है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, अगर आप पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिख दो कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्वि, या फिर डायरेक्ट लिख दो एओ किसके बराबर है, एओ बराबर है सीओ, और साथ ही ये बीओ किसके बराबर है, बीओ बराबर है डीओ, है ना। समद्विभाजन का मतलब ये हुआ। अब हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी ए क्या है, ए के समांतर चतुर्भुज। अब बेटा अगर हमें कोई समांतर चतुर्भुज बनाना है तो रेखाएं क्या करनी पड़ेगी, समांतर। अगर रेखाएं समांतर करनी है तो इसके लिए या तो एकांतर कोण बराबर करो, या संगत कोण बराबर करो, या अंतः कोणों का योग 180 करो, तो आपके सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोण बराबर करने हैं तो इसके लिए आपको त्रिभुजों को करना पड़ेगा सर्वांग सम, क्या करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कोई से भी दो त्रिभुज लेंगे आमने सामने वाले, मान लो एक तो ले ले ये और एक ले ले ये, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम। जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे इनके सभी संगत कोण क्या हो जाएंगे, और संगत कोण मतलब इनके सभी कोण बराबर हो जाएंगे, और उन कोणों से या तो हम एकांतर निकालेंगे या संगत निकालेंगे, और रेखाएं क्या कर देंगे, समांतर। कैसे, देखो ध्यान दो, एक त्रिभुज तो ये ले लो उपपत्ति में, देखो ध्यान दो उपपत्ति, एक त्रिभुज तो कौन सा भाई, त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी से, ठीक है, ए ओ बी एक तो सॉरी सर्वांग सम करने कितने त्रिभुज लेने, दो, एक तो लेना है त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी, वह दूसरा त्रिभुज कौन सा, ये डी सी ओ डी, ए ओ बी यहाँ से लिखा तो यहाँ से लिखो सी ओ डी, सी ओ डी से दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम। सर्वांग सम करने के लिए तीन चीजें बराबर करनी पड़ेगी, कितनी, अब देखो किस तीन कैसे, देखो इस त्रिभुज की तो ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है सवाल में, बताओ इस त्रिभुज की तो कौन सी और उसकी कौन सी, क्यों बराबर है सवाल में। अब इस त्रिभुज की तो ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की बराबर है, तो बताओ इसकी तो बीओ और उसकी डीओ, बताओ ये दोनों ही क्यों बराबर है सवाल में, दिया हुआ है ना। अब एक और करो, तीन चीजें बराबर करनी है, एक चीज और बताओ, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का एक नंबर और ये, बताओ क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण में से क्या होते हैं, तो इसका तो कोण नंबर एक और इसका कोण नंबर क्यों बराबर है, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, हो गया। अब बताओ बेटा जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग। नियम कौन सा, भुजा कोण भुजा, एस ए एस, तो एस ए एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, अब बराबर करने के लिए हमें केवल क्या बराबर करने हैं, कोण, क्या बराबर करने हैं, तो बताओ ये वाला कोण है ना इसके इस वाले कोण के बराबर होगा, कि देखो इधर एक किसके बराबर होगा, सी के, मान लो ये तीन नंबर और ये चार नंबर, तो कोण नंबर तीन किसके बराबर होगा, कोण नंबर क्यों बराबर होगा, बाय सी पी सी टी, CP corresponding part of congruent triangle, इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो
ये तीन और क्या बराबर हो गया चार। अगर ये दोनों कोण, अब देखो ये दोनों कोण, यहाँ कौन सी आकृति बन रही है, जेड बन रही है ना। अरे जेड बन रहा है नहीं बन रहा, तो जेड आकृति में बने कोण कौन से कोण कहलाते हैं। इन दोनों कोणों को हम क्या मान लेंगे, एकांतरे और नियमे। अगर एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती है, अतः क्या हो जाएगी, ए बी किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के, है ना। ये वाली भुजा क्या हो गई, समांतर हो गई। अब इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो ये वाली रेखा भी क्या हो जाएगी, समांतर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसी प्रकार इसी ए डी किसके समांतर हो जाएगी, बी सी के। और नियम है जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है। तो अतः क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ए क्या है, एक हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। आगे समझ में, ये तो सिंपल था। अब देखो वो वाला चार नंबर, दी गई आकृति में कोण पी का अर्धक, ये जो आकृति दे रखी है इसमें कोण पी का क्या हो रहा है, अर्धक, मतलब इस कोण का हो रहा है आधा। इस कोण का क्या हो रहा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। कोण पी का अर्धक पीएस, इसका अर्धक कौन है, पीएस। भुजा क्यूआर को एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, भुजा क्यूआर को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एस। और एस एन लंब है पीक्यू पर, एस एन, ये एस एन किस पर लंब है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। और एस एम किस पर लंबे, पी आर पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि एस एन किसके बराबर है, एस एम। ये एस एन और ये एस एम क्या है, बराबर। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान भी है, ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है, क्या कोण पी का क्या हो रहा है, अर्धक, और अर्धक कौन है, पी एस, यही है। और साथ में एस एन किस पर लंबे, पी क्यू पर, और एस एम किस पर लंबे, पी आर पर, ठीक है। अब हमें करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है, एस एन बराबर है एस एम। अब करेंगे उत्पत्ति, तो दो तरीके हैं सवाल को हल करने के। एक तरीका तो इसी तरह से कर सकते हो, दो त्रिभुजों को क्या करके, सर्वांग, एक त्रिभुज ले लो ये वाला और एक त्रिभुज ले लो, दोनों त्रिभुजों को क्या कर दो, सर्वांग सम, सर्वांग सम करते सभी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। दूसरा तरीका है प्रमेय नंबर 10.2, प्रमेय नंबर 10.2, बताओ कोण पी का क्या हो रहा है, अर्धक हो रहा है। तो देखो इसको अगर आगे बढ़ाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं, तो ये कौन सी रेखाएं बन गई, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के समद्रस्त बिंदु का बिंदुपद क्या होता है, उन दोनों रेखाओं से बनने वाले कोण का अर्धक, इस कोण का अर्धक हो रहा है। तो इस लाइन पर कहीं भी बिंदु ले लो, ये बिंदु इधर इस रेखा से और इस रेखा से क्या होगा, समान, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। इति सिद्धम, दो तरीके हैं, कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हो। तो प्रमेय वाला लगाए, प्रमेय वाला लगा लो, कोण पी का क्या हो रहा है, अर्धक, कोण पी का क्या हो रहा है भाई, अर्धक, है ना, कौन है, पी एस। ये हमें क्यों क्यों है, ये सवाल में दिया हुआ। अगर बेटा इस कोण का आधा हो रहा है तो इसका बिंदुपद इसी लाइन पर आएगा, और इस लाइन पर मान लो यहाँ बिंदु लिया, तो ये वाली दूरी क्या होगी, बराबर। अतः क्या हो जाएगा, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एम। कारण क्या लिखोगे, परमेय नंबर 10.2, इति सिद्धम, हो गया। अगर और करना चाहते हो तो ये दोनों त्रिभुज लो, दोनों को क्या करो, सर्वांग, जैसे सर्वांग सम करोगे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, बराबर, ठीक है। दोनों तरीके उतारो। तो आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, एक क्लास और बनाएंगे हम 10.2 जो प्रश्नावली है उससे संबंधित सवालों के बारे में, तो कल करेंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान से समझना है, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।